दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक को क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक इसमें यह रहेगा कि आप गाड़ी के नंबर से गाड़ी के ओनर और उसकी सारी डिटेल्स इसमें चेक कर सकते हैं। और दूसरा टॉपिक ये रहेगा दोस्तों कि आप लोग देख सकते हैं जैसे कि काफी लोगों को चलान हो रहा है ऑनलाइन और आप लोगों को पता भी नहीं चलता है काफी बार कि मेरा चलान हो चुका है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं दो टॉपिक को क्लियर करूंगा कि आपका ऑनलाइन चलान हुआ है या नहीं। पहला टॉपिक ये रहेगा कि आप लोग गाड़ी के नंबर से उसकी सारी डिटेल कैसे निकालेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोग अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं, उसके बाद में आप लोग क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है एम परवान। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, 4.5 की रेटिंग है। ये 10 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं इसके। तो इसका इंटरफेस मैं दिखा दूँ, कुछ इस तरह से होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको डाउनलोड आप लोगों को कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में सिंपली आप लोग को इसको ओपन करना है। ओपन करने बाद में कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो दोस्तों आप लोग को ये कोविड-19 का आएगा तो इसको कट कर देना है, उसके बाद नोटिफिकेशन को ओके कर देना है। तो दोस्तों आप लोग को दो मेथड इसमें मिलेंगे, RC और DL। तो RC पे आप जब क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को गाड़ी नंबर डालना होगा। अगर आपका DL हो मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पे डालेंगे तो ये फिल हो जाएगा। जैसे कि मैं कल के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं DL पे क्लिक करूँगा और उसके बाद में यहाँ पे सर्च करूँगा तो मुझे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना होगा। तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मैं सिंपली आपको नंबर से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों RC पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी दोस्तों। तो आप लोग को यहाँ पे गाड़ी का नंबर डाल देना है। तो जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, एक कोई भी रैंडम नंबर में डाल दे रहा हूँ। उसके बाद में आप लोग क्या करना है, सिंपली यहाँ सर्च करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को उसकी पूरी डिटेल दिखा देगा, ओनर का नाम दिखा देगा, रजिस्ट्रेशन दिखा देगा कहाँ का है RTO, उसके बाद में व्हीकल किस टाइप की है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर, और ये RC स्टेटस दिखा देगा एक्टिव है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे फ्यूल टाइप दिखा देगा पेट्रोल, और इसकी कितनी एज हो चुकी है मतलब कितने साल पुरानी है दोस्तों ये गाड़ी, तो ये दिखा देगा 2 साल 6 महीने पुरानी है। इसका रजिस्ट्रेशन भी आपको दिखा देगा दोस्तों यहाँ पे 13 फरवरी 2018 है। इसकी फिटनेस डेज एक्सपायर कब होगी दोस्तों, ये 12 फरवरी 2033 में एक्सपायर हो जाएगी। ये आपको सारी डिटेल यहाँ पे शो कर देगा। तो दोस्तों ये टू व्हीलर की बात हुई, मैं आप फोर व्हीलर को आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोगों को सेम प्रोसेस यही करना है और उसके बाद में ये सेव भी हो जाता है आपके हिस्ट्री में। तो दोस्तों मेरे में काफ़ी सारी हिस्ट्री में सेव है तो मैं वो दिखा दे रहा हूँ। फोर व्हीलर पे आप क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे शो भी करने लगेगा फोर व्हीलर का नंबर कौन सा है। तो मैं सिंपली यहाँ फोर व्हीलर पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फोर व्हीलर दिखा देगा। दोस्तों ये कानपुर की गाड़ी है, ओनर का नाम भी आपको यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ तो यहाँ पे आपको दिखा भी देगा सारी डिटेल। उसके बाद में दोस्तों मैं सेकंड मैटर पे आता हूँ कि आप इसका चलान कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों फोर व्हीलर और टू व्हीलर दोनों का प्रोसेस वही है, आप व्यू चलान पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ चलान दिखा देगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी कोई चलान नहीं है तो इस वजह से नहीं दिखा रहा है। जिस गाड़ी का चलान हो चुका है मैं उस गाड़ी का नंबर सर्च मार के दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये टू व्हीलर का चलान है मेरे पास, एक लोग का मैंने लिया है उनसे। तो दोस्तों उसका चलान मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे शो होगा। तो दोस्तों सिंपली वैसे ही ओपन होगा जैसे कि मैंने पहले ओपन करके दिखाया। उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे व्यू चलान पे क्लिक करना है। व्यू चलान पे आप जब क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपका चलान नंबर शो कर देगा दोस्तों, यहाँ पे आपका चालान नंबर शो कर देगा। उसके बाद में दोस्तों आप लोग को यहाँ पे चालान की डेट भी शो कर देगी, यहाँ पे वो भी शो कर देगा कि आपका चालान कितने रुपए का हुआ है, और यहाँ पे चालान स्टेटस दिखा देगा कि अभी तक आपने चालान पे कर दिया है या नहीं पे कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये चालान व्यू दिखा देगा मतलब कि आपका ऑनलाइन चालान हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको चालान पे कैसे करना है ये जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अपडेट ज़रूर बता दूंगा कैसे इसको पे करते हैं, किस वेबसाइट से आप पे कर सकते हैं, और दोस्तों इसकी सारी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके।